तो कोरोना संक्रमण दर में भारी गिरावट और दिल्ली में घटे कोरोना के नए केस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में पहले के मुकाबले कोरोना केसों में भारी कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। 1410 नए केस ही इस बीच दिल्ली में नए सामने आए हैं। एक दिन में 14 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए, संक्रमण दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में अब 8869 एक्टिव केसेस ही बचे हैं। तो कोरोना केसों में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। 24 घंटे में 1410 नए केस कोरोना के राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं। तो पहले के मुकाबले राहत फिलहाल इस दिशा में कि कोरोना संक्रमण दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में 2506 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली का। तो दिल्ली में कोरोना के केसेस में बहुत हद तक गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2506 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो दिल्ली में अब 8869 एक्टिव केसेस ही बचे हैं। बता दें आपको, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। तो दिल्ली में कोरोना केसेस जो हैं पहले के मुकाबले बहुत हद तक घटे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। एक दिन में 14 लोगों की अब तक मौत हुई है कोरोना के चलते। 2506 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रिकवरी रेट में भी बहुत हद तक सुधार। दिल्ली में अब 8869 एक्टिव केसेस ही बचे हैं। तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सुधार जो है संक्रमण दर में राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया है। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। स्पर्श, फिलहाल दिल्ली में राहत की खबर ये कि संक्रमण दर में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तक जो है कमी दर्ज की गई है कोरोना संक्रमण दर में। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो मामलों में बिल्कुल गिरावट जो है लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटे में 1410 निकलकर सामने आए थे। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट जो एक समय 30% के आसपास पहुंच गई थी, वो अब 2.45% जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौतें जो है पिछले 24 घंटे में 14 जो है कोरोना के कारण होती हुई नजर आई हैं। लेकिन जिस तरीके से मामलों में गिरावट है, पॉजिटिविटी रेट कम होती हुई नजर आ रही है, इसी के साथ में आज दिल्ली में तमाम जो पाबंदियां लगा रखी थी उनसे भी छूट जो है दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 घंटे में 1410 नए मामले ही सामने आए हैं और एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी यहां पर दर्ज की गई है। हालांकि जो पाबंदियां हैं अभी भी फिलहाल कई जगहों पर हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण दर को देखते हुए कई पाबंदियों में छूट यहां पर दी गई है और जाहिर तौर पर संक्रमण दर में आई कमी जो है वो इस दिशा की ओर भी इशारा कर रही है कि लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर लापरवाही अब एक बार फिर बरती गई तो जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण दर जो है उसकी स्थिति एक बार फिर बिगड़ सकती है।